हेलो स्टूडेंट्स वील कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर दैट इज़ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बताया था कि हाउ द स्पीसी टेक्स प्लेस दैट इज़ हाउ द न्यू स्पीशीज आर फॉर्म्ड विच इज़ द बेस ऑफ द एवोल्यूशन टुडे वील बी टॉकिंग अबाउट द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मीन्स की एविडेंसेस कौन से हैं जिससे हमें पता चलता है कि एवोल्यूशन हुई है क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू सी दैट द एवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस क्योंकि एवोल्यूशन जो है वो बहुत स्लो प्रोसेस है सो वन ऑफ द थिंग वन ऑफ द एविडेंस विच वी कैन से दैट द एवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस आर द होमोलोगस ऑर्गन अब ये होमोलोगस ऑर्गन कौन सी हैं द होमोलोगस ऑर्गन आर द ऑर्गन्स विच हैव दिमिलर एनाटमी Anatomy means internal structure, but, and they have the common origin. Inka origin be common, and inki anatomy be same. Hai, but they perform different functions. So the organ having the similarity in their anatomy, internal structure, and have common origin, but may perform the different functions. Those are known as the homologous organ.

दे आर होमोलोगस ऑर्गन क्योंकि अगर हम इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो दैट इज द सेम कैसे सेम इंटरनल स्ट्रक्चर है बिकॉज ऑल द फोलम्स ऑफ ऑल दिज एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स दे हैव वन ह्यूमरस ह्यूमरस के नीचे देर इज ए रेडियस देर इज एन अलना देर आर कार्पल्स देर आर मैटा कार्पल्स एंड द फलजीज आर देयर सो द इंटरनल स्ट्रक्चर इनकी सेम है बट इनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट है लाइक फोर लिम्स ऑफ लीजर्ड है दे आर यूज फॉर क्रॉलिंग ओके विंग्स ऑफ द बर्ड्स है दे आर द मॉडिफाइड फोर लिम्स बट दे आर यूज फॉर फ्लाइंग फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन जो है दीज आर यूज फॉर डूइंग वेरियस वर्क्स, ओके एंड दीज होमोलोगस ऑर्गन्स दे शो दैट द ऑर्गेनिज्म हैव द कॉमन ancestry that means these organisms must have evolved from the common ancestors now but perform the different functions or you can say these homologous organs they show divergent evolution divergent evolution ka matlab kya hua ki the same structures structure is same structurally they are same but they diverge to perform different functions in different direction there is a divergence towards different direction to perform different functions depending upon the need of the organism. So, mm, these are the four limbs of frog, these are the four limbs of lizard, four limbs of birds, and the hands of human. Actually, this hand ka matlab to yaha hand, but actually, the total is a four limb like upar ki jo hai that is a humerus, then there is a radius, ulna, then carpals. metacarpals and phalanges are there these are the homologous organ in animals similarly the homologous organs are found in plants also like ye plants mein this is a bougainvillea tumne bougainvillea ka plant dekha hoga jisme ki different colors ke leaves hote hain aur gujarat mein to ye bahut रोड साइड पे भी उगता है And this बोगनविलिया plant जो है it has thorns. ये इसके thorns होते हैं सिमिलरली कुकरविटा जो प्लांट है कुकरवीटा मीन्स जो हम ककड़ी खाते हैं जो सैलेड में हम कुकम्बर खाते हैं इसका तुम प्लांट देखो तो उस प्लांट्स में टेंड्रिल्स होते हैं टेंड्रिल्स मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं विच आर नोन एज द टेंड्रिल्स सो दिस थॉर्न्स ऑफ द बोगन विलिया एंड द टेंड्रिल्स ऑफ द कुकरविटा दिज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स क्यों क्योंकि इनका अगर हम औरिजिन देखें तो सेम है बोथ थॉर्न्स एंड दिस टेंड्रिल्स दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ एक्जिलरी बर्ड ये स्टेम में एक स्टेम में एट द नोड देर इज एन एक्सिलरी बर्ड सो थॉर्न्स इज ऑल्सो ए मॉडिफिकेशन ऑफ एक्जिलरी बर्ड एंड द टेंड्रिल इज ऑल्सो अ मॉडिफिकेशन ऑफ एक्जिलरी बर्ड बट इनका जो फंक्शंस है वो डिफरेंट होता है सो द होमोलोग ऑर्गन्स दे आर द रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन ओके ना प्लांट्स के अंदर एज आई एक्सप्लेन यू थॉन्स ऑफ बोगनविलिया एंड द टेंडिल ऑफ टेंडिल्स ऑफ कुकरबिटा क्योंकि फंक्शन कैसे अलग है बोगनविलिया के जो थॉर्न्स हैं इनका फंक्शन है टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग जबकि टेंडिल्स जो हैं ऑफ द कुकरबिटा इनका फंक्शन है क्लाइंबिंग क्योंकि ये जो कुकरबिटा का स्टेम है इट इज़ वेरी वेरी थिन एंड इट कैन नाट एक्सपोज द लीफ्स to the sunlight for photosynthesis so in cucarbitum me climbing ke liye the tendrils are present so here inca origin same hai as uh, I told you mm, both are the both are axillary in position and they are the modification of axillary bud but they perform different function so these are the homologous organs so homologous organs as I told you they are the result of divergent evolution this is one evidence of evolution

विच आर नॉट सिमिलर एनाटमिकली एनाटमिकली वो डिफरेंट है उनका इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है और उनका ओरिजिन भी अलग है सो दे आर डिसिमिलर एनाटमिकली एंड दे हैव डिफरेंट ओरिजिन, बट दे हैव द सिमिलर फंक्शंस सो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दे अगेन इवोल्ड टूवर्ड्स द सेम डायरेक्शन ड्यू टू अडेप्टशन इनका जो फंक्शन है दीज ऑर्गन है ऑर्गन है

जो बैट इज़ एमल ओके नो जो बैट के विंग्स है, दीज आर स्किन फोल्ड्स बिटवीन द फिंगर्स सो ये बैट के विंग्स में ये जो फिंगर्स हैं इनके बीच में जो फोल्ड है ओके okay? फोल्ड है दैट मीन्स द द विंग्स ऑफ द बैट्स जो हैं दीज आर जस्ट द फोल्ड्स बिटवीन द फिंगर्स और अगर हम विंग्स के बर्ड्स को देखें तो दीज आर फेदरी कवरिंग ऑल ओवर द आर्म ये बर्ड का जो विंग्स है ये यहाँ पे ह्यूमरस ह्यूमरस है रेडियस है अल्ना है और ये पूरी की पूरी जो है दिस दिज आर द फैदरिंग फेदरी कवरिंग ऑल ओवर द आर्म ओके यहाँ पे द फंक्शन ऑफ द विंग्स ऑफ द बैट एंड द फंक्शन ऑफ द विंग्स ऑफ द बर्ड दे आर सेम बट एनाटमिकली ये सिर्फ फोल्ड्स हैं ओके दिज आर जस्ट द द स्किन फोल्ड्स ओके बट यहाँ पे जो है फेजरी कवरिंग है सो एनाटोमिकली दे आर डिफरेंट बट इनका फंक्शन जो है वो सेम है सो एनालोगस ऑर्गन्स दीज आर द ऑर्गन्स विच प्रोवाइड एविडेंस दैट दीज एनिमल्स आर नॉट इन्वॉल्व फ्रॉम द कॉमन एन्सेस्टर्स लाइक होमोलोगस ऑर्गन में मैंने तुम्हें बताया कि दोज होमोलोगस ऑर्गन्स दे इंडिकेट कि उनका ओरिजन जो है दैट इज फ्रॉम अ कॉमन एन्सेस्टर बट एनालोगस ऑर्गन दे इंडिकेट दैट दीज ऑर्गेनिज्म आर नॉट इन्वॉल्व फ्राम द कॉमन एंसेस्टर अगर हम दूसरे एग्जाम्पल देखें एनालोग ऑर्गन के तो द फ्लिपर्स ऑफ पेंगविन पेंग्विन के जो फ्लिपर्स हैं पेंग्विन क्या है इट्स ए बर्ड पेंगविन के जो फ्लिपर्स हैं या फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन डोल्फिन इज एम एमल दोनों जो हैं फ्लीपर्स ये यूज किस लिए करते हैं एनिमल्स स्विमिंग के लिए बट अगर हम इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो दैट इज डिफरेंट सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ द एनालोगस ऑर्गन इंडिकेटिंग कि इनका एनसेस्टर्स जो है दैट इज डिफरेंट द एंसेस्टर ऑफ बर्ड्स एंड द एंसेस्टर ऑफ मेमल्स दे आर डिफरेंट अगर हम प्लांट की बात करें एनालोगस ऑर्गन का तो द स्वीट पटैटो तुमने पता होगा स्वीट पटैटो दैट इज शक्करकंदी जो है इट इज़ ए मॉडिफाइड रूट फॉर द स्टोरेज ऑफ द फूड क्योंकि स्वीट पोटैटो इज़ अ रूट मॉडिफाइड रूट इस रूट में द फूड इज स्टोर द फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फूड पोटैटो जो हम आलू खाते हैं इट इज़ नॉट ए रूट ऑल्दो इट इज अ अंडरग्राउंड बट इट इज़ नॉट अ रूट इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम सो स्वीट पोटैटो और पोटैटो तो, इसका जो एनाटमी है दैट इज डिफरेंट क्योंकि एक रूट है और दूसरा स्टेम है बट दे आर फंक्शन जो है दोनों का सेम है दैट इज ए स्टोरेज ऑफ द फूड सो दीज आर द दोग ऑर्गन

नो फॉसिल्स बनते कैसे हैं कि okay, फॉसिल्स कैसे बनते हैं सपोज कोई भी ऑर्गेनिज्म व्हेन द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस देन द बॉडी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म गेट्स डिकम्पोज ये बॉडी डिकम्पोज हो जाती है तुमने देखा होगा कोई भी एनिमल का अगर डेथ होता है तो उसकी बॉडी में से थोड़ी देर के बाद बहुत स्मेल आती है एंड वी से द बॉडी इज गेटिंग डिकम्पोज बट समाइम इज डज हैपन कि द होल बॉडी और सम पार्ट ऑफ द बॉडी इसकी डिकम्पोजिशन नहीं होती क्यों नहीं होती बिकॉज ऑफ सर्टन एनवायरमेंटल कंडीशन सो इफ द सम बॉडी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच डाइज डू नॉट गेट डीकम्पोज बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर दोज बॉडी पार्ट्स विल गेट प्रिजर्व्ड और दे लीवर इम्प्रेसन विच आर नोन एज द फॉसिल्स टेक फॉर एग्जाम्पल एक इंसेक्ट जो है उसकी डेथ हो गई ओके एंड दैट इंसेक्ट्स जो है उसकी बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई क्यों नहीं हुई डीकम्पोज बिकॉज द बॉडी इट गॉट गेट कॉट इन द मर्ड सो इट डजेंट गेट डीकम्पोज प्रेशर के साथ जब सॉयल के अंदर प्रेशर पड़ता है तो वो मर्ड जो है वो हार्ड बन जाती है ओके एंड फॉर्म्स मे फॉम द स्टोन सो द इम्प्रेशन ऑफ दैट बॉडी ऑफ दैट इंसेक्ट्स दैट इज रिटेंड एंड गिव राइज टू Fossil. This is what is fossil. Now these are the various uh, kinds of fossils. This is a tree trunk, a invertebrate. This is again a invertebrate, trilobite. This is also a fish. This is a fossil of a fish, and this is a fossil of a of a dinosaur, which is just the skull of the dinosaurs These are just to tell you the various kinds of fossils. Now. we कैन फाइंड आउट what इज द एज ऑफ द फॉसिल दैट means वो जो फॉसिल हमें मिला जमीन में से उसकी एज कितनी है वो कितना पुराना फॉसिल है टू फाइंड आउट द एज ऑफ द फॉसिल देर आर टू मैथड्स ओके वन इज नोन एज ए रेलेटिव मैथड न रेलेटिव मैथड में क्या है दिस रेलेटिव मैथड डिपेंड अपॉन द डेथ डेप्थ एट विच द फॉसिल इज फाउंड अगर फॉसिल्स जो है वो अर्थ के ऊपर सरफेस में से मिलता है तो दैट मीन्स इट इज़ अ मोर रिसेंट फॉसिल बट अगर वो कोई भी फॉसिस जो है वो अर्थ की डीप पर लेअर्स से मिलता है नीचे ज़मीन पे बहुत नीचे जाके डीप अंडर द अर्थ मिलता है तो दैट मीन्स दैट फॉसिस जो है इट इज़ नॉट रिसेंट वन सो दिस इज अ रिलेटिव मैथड विच डिपेंड अपॉन द डेप्थ एट विच द फॉसिल इज फाउंड ओके सर्फेस के क्लोज है सरफेस ऑफ द अर्थ के अगर क्लोज है तो इट इज़ मोर रिसेंट फॉसिल अगर वो ज़्यादा डीप है तो इट इज़ नॉट रीसेंट वो जो है वो पुराना फॉसिल है उसको बने हुए काफ़ी साल हो गए हैं द सेकेंड मैथड इज कार्बन डेटिंग मैथड कार्बन डेटिंग मैथड इज ऑल्सो नोन एज ए रेडियो कार्बन डेटिंग मैथड न इस मैथड में वी देर इज ए वी डिटेक्ट द रेशियो ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ द सेम एलिमेंट एंड मोस्टली जो कार्बन एलिमेंट का सी फोर्टीन विच इज़ अ रेडियो आइसोटॉप ऑफ अ कार्बन प्रेजेंट इन टू द फॉसिल और प्रेजेंट इन टू द फॉसिल मेटीरियल दिस इज नोन एज ए कार्बन डेटिंग मैथड इन दोनों मैथड से हमें पता चलता है कि कोई भी फोसिस जो है वो कितना रिसेंट है या कितना उसको टाइम हो गया हुआ है ना लेट अस सी हाओ द फॉसिल्स दे आर फॉर्म्ड लेयर आफ्टर लेयर क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि कोई फॉसिल्स जो हैं वो ज़मीन के बहुत नीचे होते हैं और कोई जो है वो ऊपर होते हैं सो हाउ डू द फॉसिल्स दे आर फॉर्म्ड लेयर बाय द लेयर नाउ एज आई टोल्ड यू एवोल्यूशन इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस अगर हम स्टार्ट करें कि हंड्रेड मिलियन ईयर्स एगो कोई इन्वर्टिव रेट है क्योंकि एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस इन विच द सिंपल ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम सो फर्स्ट जो है वो इन्वर्टिब्रेट्स आए सो सम इन्वर्टिब्रेट्स दे डाई ऑन द सी बेड सी के सबसे नीचे जो है वो कोई भी जो कोई इनवर्टिब्रेट्स हैं उनकी डेथ हो गई एंड विद द प्रेसर द सेंड स्टोन इज फॉर्म्ड एंड द बॉडी ऑफ दैट इन्वर्टिब्रेट गेट प्रिजर्व सो उसके बाद मिलियन ऑफ ईयर्स लेटर अब ये तो इनके फॉसिल्स बन गए दैट मीन्स दिस दिज इनवर्टिब्रेट के फॉसिल बन गए डीप अंडर द अर्थ नाउ उसके मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद ओके डायनोसॉर्स आए और उसमें से कोई डायनोसॉर्स जो है इट ऑल्सो डाई इन दैट एरिया और उसकी जो बॉडी है डायनोसॉर्स की दैट ऑल्सो गेट बरीड इन द मड एंड दिस मड जो है इट ऑल्सो गेट कंप्रेस्ड एंड कन्वर्टिड इन टू रॉक्स बट दिस रॉक विच इज़ फॉर्म्ड इज़ अबव द रॉक इन विच द इन्वर्टिब्रेट फॉसिल वॉज देअर लाइक इफ डाइग्राम में देखो तो नीचे सो सब्स हैं वो फॉसिल्स हैं इन्वर्टिब्रेट के उसके ऊपर जो फॉसिल है ये डायनोसॉर्स जो है इसके ऊपर जो है इफ इट दिस डाइनोसॉर्स डाइज एंड द स्कल ऑफ द डाइनोसॉर्स और एनी पार्ट ऑफ द डाइनोसॉर्स गेट फर्सिलाइज डेट डीकम्पोज सो इट फॉर्म्स द फॉसिल सो ये डायनोसॉर्स की जो फॉसिल है इट इज अबव द फॉसिल ऑफ द इन्वर्टिबेट ओके नो उसके मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद बिकॉज एज आई टोल्ड यू एवोल्यूशन इज अ वेरी 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 स्लो प्रोसेस इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ स्पीशीज सो उसके बहुत साल के बाद मिलियन ऑफ ईयर्स लेटर कोई हॉर्स जो था स्मॉल हॉर्स लाइक क्रिएचर ओके इट ऑल्सो डाइज सो इट्स बॉडी इफ गेट्स फर्सिलाइज देन इट इज अबव द अर्यर रॉक वो डायनोसोर्स के ऊपर की रॉक पे होगी सो दिस इंडिकेट्स दैट सबसे नीचे जो फॉसिल अर्थ में मिले वो सबसे पुराने थे उसके ऊपर जो हैं वो रीसेंट है सबसे ऊपर जो हैं दे आर स्टिल रीसेंट सो दिस इज हाउ वी कैन सी दैट हाउ दिस फॉसिल्स आर फॉर्म्ड आई थिंक आई स्टॉप हेयर स्टूडेंट्स एंड वील talk about uh, the last portion of this chapter in the next lecture till that stay safe stay home and take care of yourself thank you